हेलो दोस्तों आई एम कृष्णा लोहान एंड टुडे आई एम डिस्क्राइबिंग डेल इज फर्स्ट ईयर मैथ्स क्वेश्चन पेपर कंटेन सेवेंटी मार्क्स एंड थ्री आर्स दर इज फर्स्ट क्वेश्चन संबंधी की समस्त शब्द का प्रयोग किसने किया था जैसे कि आप जानते हैं रिचर्ड स्केम्स ने किसी भी जैसे डिजिट को आपस में संबंध बताकर आंसर दिखाना जैसे कि दो दो चार होते हैं तीन एटेक्ट चार होते हैं जरूर चार और जीरो भी चार होते हैं इस तरह से आप इसको संबंधी की समझ बोल सकते हैं इसकी व्याख्या करनी है आपको ये बच्चों का लंबे टाइम तक ज्ञान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है शिक्षक की भूमिका बतानी है वाई गोटसी के अनुसार कि शिक्षक बच्चों को एक सामाजिक माहौल देकर उनको सिखा सकता है क्योंकि वाई गोटसी का मानना है कि बच्चा समाज से ज़्यादा सीखता है कक्षा कक्ष में विकसित करने योग्य गणित या संप्रेषण के तत्व बताने हैं जैसे बच्चे सिंबल्स के द्वारा रूल्स के द्वारा ग्राफ के द्वारा एंगल्स के द्वारा ऐसे जैसे संप्रेषण करते हैं अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन क्या है किसी की देखरेख में काम करना वनस्पति जीव विज्ञान में गणित का क्या महत्व गणित का महत्व हर जगह है वनस्पति में पेड़ पौधे कितनी मात्रा में उनको क्या कुछ चाहिए है कितने बढ़ते हैं घटते हैं इस हिसाब से गणित के ही क्वेश्चन है ये तो इसमें अब अगला क्वेश्चन है बीना अपनी आय का पाँचवटा भाग बचाती है उसकी आई आय अगर इतनी है तो एक महीने में कितना बचाती आप इनको कट कर सकते हैं आंसर निकल जाएगा गणित में गलत फहमियों से क्या अभिप्राय है देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है आप भी जानते होंगे अगर मैथ्स में बच्चा अच्छा करता है लेकिन फिर भी उससे सिंबल्स में गलती हो जाती है जिससे पूरा समय उसका गलत हो जाता है यानी कि एक तरह से उसको इल्यूजन हो जाता है अभी ये क्वेश्चन है कंसेप्चुअल नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज कंसेप्चुअल होता है हमें विषय का ज्ञान होना फॉर्मूलाज का ज्ञान प्रक्रिया है हम जब उसको अप्लाई करते हैं सामुदायिक गणित के विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए सामुदायिक गणित क्या होता है कि जिस तरह की हम समुदाय में अपना हिसाब किताब रखते हैं कम्युनिटी में मैथमेटिक्स इसको डिटेल्ड बताना आपने बुक से अच्छे से याद कीजिएगा पावर पॉइंट पे पाठ योजना तैयार करने का तरीका बताना है कि किस तरह से क्या प्रोसीजर है कि भी हमने हमें पावर पॉइंट में जाकर किस तरह कहाँ कहाँ क्लिक कि किया है ये बताना बस गणितीय खेल पहलिया बनाने में शिक्षक की भूमिका बताइए बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़रूरी भी ताकि मैथ्स बोरिंग और इरिटेटिंग होने के बजाय वो इंटरेस्टिंग बने और बच्चे सीख सके प्राथमिक द्वितीय आंकड़ों के संकलन की विधियों का वर्णन कीजिए प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े वो होते हैं जैसे एक तरह प्राथमिक आंकड़ों में क्या होता है कि भी हम उस चीज़ का कॉन्सेप्ट उठाते कंटेंट उठाते हैं द्वितीय में हम उन चीज़ों को करके देखते हैं और थर्ड में हम उनसे कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल लेते हैं इसमें खाली पहले दो ही बताने हैं पेपर फोल्डिंग द्वारा समानांतर चतुर्भुज के नए और वास्तविक ढंग को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया लिखी है पेपर फोल्ड करके आपने चतुर्भुज बनाना है और उसके वास्तविक ढंग को आपको प्रदर्शित करके बताना है उसकी प्रोसेस लिखी है गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है क्योंकि गणित की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसमें प्रोसीजर के कंसेप्ट के साथ साथ प्रोसीजर भी होता है जिससे देख बच्चे हेल्प ले सकते हैं उसको किसी की मतलब इतनी खास जरूरत नहीं होती है अध्यापकों में मैथ का डर करने के सॉरी अध्यापक बच्चों में मैथ्स का जो डर है वो कैसे कम कर सकता है जिस तरह से कॉन्सेप्ट को ज़्यादा रुचिकर बनाकर मेथड यूज़ करके टी एल एम यूज करके या बाहर की प्रकृति में ले जाकर उसको किसी भी चीज़ का जो है आयतन वगैरह बताकर चौड़ाई लंबाई बताकर ब्रह्मगुप्त कौन थे और ये वाईगुड़ ये दो हैं फिलोसफर हैं इनकी आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी अब ये हैं इनके आप नोट बनाने हैं क्षेत्रफल आयतन भार लंबाई और इससे कोई एक सम भी आपको हल करके बताना है लेसन प्लान है ये प्लेस वैल्यू का कोई भी बना सकते हैं आप तो यहाँ आपका ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर भी एंड होता है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों किसी न किसी फिलोसफर का आता है इसमें और लेसन प्लान कंपल्सरी है इसके साथ साथ जो इसके शिक्षण की विधियाँ हैं टीचर किस तरह से इसको इंटरेस्टिंग बना सकता है वो भी चीज़ें इसमें आती हैं कोई एक आपसे प्रोसीजर पूछ लेंगे पेपर फोल्डिंग की है जैसे यहाँ पे दे रखी है और इसके साथ क्या थी खेल पहेलियाँ वगैरह जो मैथ्स के लिए पावर पॉइंट है देखिए तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं आ जाते हैं आपसे दो प्रोसीजर में डिफरेंस पूछा जा सकता है जैसे एट्थ क्वेश्चन है कोई सम आपको दे सकते हैं पाँच और दो नंबर में तो सम आते ही आते हैं और आठ नंबर में आता है आपका लेसन प्लान So all the best for the exams.